के परिवर्तन रैली के। Prime Minister Narendra Modi on Sunday, while addressing a rally in Himachal Pradesh Kullu, took a jibe at Congress celebrating Black Day on 8th November and said that everyone had to bear inconvenience during demonetization, but only Congress is losing sleep over it because they have lost bags full of money. He also said that Congress and corruption were like trees and roots and blamed Chief Minister Virbhadra Singh and Congress for amplifying influence of drug mafia in the state. ये 8 नवंबर ने उनकी नींद खराब करके रखी है। ये वही 8 नवंबर है जिस दिन कहा था रात को 12 बजे 500 और 1000 की नोट गई। आप मुझे बताइए, जब 500 और 1000 की नोट गई 8 नवंबर को, आपकी भी नोट गई थी कि नहीं गई थी? आपकी भी गई थी कि नहीं गई थी? आपको भी थोड़ी तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन आपने मोदी को माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? आपको लगा कि मोदी ने हिम्मत से काम किया? आपको भी थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन आपकी मोदी के लिए शिकायत नहीं है। एक साल हो गया, उनका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके बोरे के बोरे भरे पड़े थे, वो गए हैं। जैसे पेड़ और जड़, जड़े और पेड़ जुड़े हुए होते हैं ना, वैसे कांग्रेस और भ्रष्टाचार जुड़े हुए हैं। वो एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते। और करेगा कौन, मुझे बताइए कौन करेगा? उनके सारे नेता जमानती नेता है, पूरी पार्टी जमानत पे है, और सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार के आरोपों में आज जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, कभी कुल्लू मनाली नौजवान आया करते थे, एडवेंचर टूरिज्म करते थे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि कोई जवान बेटा अगर कुल्लू मनाली आ रहा है तो मां बाप कहते हैं, देखिए वहां कुछ लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, वहां मत चले जाना, उनको चिंता सताती है। ये ड्रग माफियाओं ने क्या हाल करके छोड़ा है, इससे आप भी परिचित हैं, मैं भी परिचित हूं भाई। और इसलिए जब तक हम हिमाचल की युवा पीढ़ी को बचाएंगे नहीं, इन ड्रग माफियाओं से हमारे कुल्लू मनाली को मुक्त नहीं कराएंगे, हमारी युवा पीढ़ी को बचाने का काम कौन करेगा भाइयों?